नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं लगातार भरतपुर में जो जयपुर आगरा हाईवे को चक्का जो जाम किया गया है सैनी समाज के द्वारा, चक्का जाम है, लगातार प्रदर्शन यहां चल रहा है। आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट यहां जारी है और मैं उसी स्थल पर यहां पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं सारी तस्वीरें वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं। सैनी समाज के लोगों से बात करेंगे, उनका मांग है, उनकी मांगे है कि हमारी जनसंख्या राजस्थान के अंदर 12% है और 12% ही हमको, 12% ही हमको चाहिए आरक्षण, उसी को लेकर उनकी मांग है और प्रदर्शन 4 दिन से लगातार जारी है। जी, 4 दिन से लगातार प्रदर्शन जारी है, क्या क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी मांगे हैं सबसे पहले कि 12% जो आरक्षण है, जो हमारे जाति के आधार पर है, जितनी हमारी जनसंख्या है उसी के आधार पर हमें आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे अन्य समाजों के अंदर सबको दे रखा है आरक्षण, उसी प्रकार से हम भी इसी इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, तो हमें भी हमारा हक चाहिए। पहला हमारा ये है और हमारी ये नहीं है, हम काफ़ी दिन से इसकी मांग कर रहे हैं और काफ़ी हमने प्रयास किया है। हमने आखिर में सब जगह हमने एक एप्लीकेशन दिए हैं, हमने सब जगह मांग रखी है, लेकिन हमारी मांग जब नहीं सुनी गई तब हमने ये मुद्दा उठाया कि हमें हमारे मांग इस तरीके से रखी जाए। इसलिए आप लोगों ने चक्का जाम करने का मतलब निर्णय लिया है। जी, क्या कहेंगे, क्या क्या मुख्य मांगे हैं? हमारे तो 11 मांगे, लेकिन 12% आरक्षण चाहिए हमको। पहले आपको 12% आरक्षण चाहिए और उसी के साथ 11 सूत्रीय मांगे। बताया जा रहा है कि 11 सूत्रीय मांगे, 11 सूत्रीय मांगों में से सबसे पहली मांग जो है वो आरक्षण की है। जी, आप लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं, बताइए। मांग तो हो चुकी है अपनी, उसके बाद और मांग अपनी हमारी पूरी हो चुकी है। कौन कौन सी मांगे होते हैं? भोले बाबा की जयंती की छुट्टी कर दी और चल रहा है, हमको अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब तो फिलहाल तो 12% आरक्षण चाहिए, हमको 12% आरक्षण चाहिए, आइए और लेके रहेंगे। अच्छा, तो मरे क्या? इसीलिए आप डंडे लिए हुए हैं? मरेंगे, चाहिए 12% हमें आरक्षण चाहिए, वो चाहिए हमको 12% आरक्षण चाहिए। चलिए, लगातार आपको डंडा की नोक पे, या तो काम झंडे से नहीं तो लगातार 12% आरक्षण मिलना चाहिए। 11 सूत्रीय मांगे थी जिनमें से कुछ मांगों को पूरा किया गया है, लेकिन अभी जो मेन मुख्य मांगे हैं उसमें सबसे पहले आरक्षण की बात आ रही है। आरक्षण की बात को सामने किया जा रहा है, आरक्षण नहीं मिलता है तो प्रदर्शन यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन पूरी तरह से, और अगर प्रदर्शन की जो मांगे हैं वो नहीं मांगी जाती है तो प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। ऐसे प्रदर्शनकारियों की बातें हैं, ऐसे प्रदर्शनकारियों का कहना है। लगातार आप हमारे साथ बने रहे, कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ, मैं अपना जो कोली डीटीवी न्यूज से, धन्यवाद।